अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को भी नाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप देखने वाले से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल को भी नाज़नी के साथ जुड़ जाएं और हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो व्यूवर्स, आज यहाँ पर हमारे यहाँ थोड़ी सी हुई थी बारिश, तो बारिश जब हो जाए तो फिर दिल करता है कि वुमन कोई तली हुई चीज़ बनाए, चिप्स बनाए, पकौड़े बनाए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम लोग पकौड़े बना ही रहे हैं तो वही पालक के पकौड़ों की रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी और पालक के पकौड़ों की रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जौन सा है एक पाव बेसन लिया है, इसके अंदर मैंने बारीक बारीक के लच्छेदार जौन से प्याज काट लिए हैं और अब मैंने इसके अंदर जौन सी है वो शामिल करनी है कटी हुई पालक। पालक को मैंने धो के काट के बारीक बारीक रख लिया था। तो आप लोगों ने इसको डालने से ये है कि एक तो ये पालक के जो पकोड़े हैं उसकी रेसिपी है, दूसरा ये कि जो क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे पकोड़े बनेंगे वो फ्रेश पालक की वजह से ही बनेंगे। तो इसलिए पालक के बगैर आप लोग पकोड़े ना बनाया करें, पालक के साथ जब बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े तैयार होंगे आपके। अच्छा, तो अब मैंने इसके अंदर जौन सा है वो शामिल करने हैं स्पाइसेस। तो यहाँ पे मैंने जौन सा है एक चम्मच लिया है सूखा धनिया, बारीक मैंने इसको पीस लिया है, ठीक है, और एक ही चम्मच सुरख मिर्च का शामिल कर दिया है और हसबे जायका हसबे ज़रूरत नमक। इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से कर लेना है मिक्स। पहले तो हम लोग इसको ऐसे मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको हम पानी डाल के भी इसका जौन सा है वो पेस्ट तैयार कर लेते हैं, ठीक है, मतलब मिक्सर हम लोग तैयार कर लेते हैं। इस मिक्सर को तैयार करने के बाद मैं इसको रख रही थोड़ी देर के लिए, तकरीबन आधा घंटा, ठीक है, ताकि जौन से हमारे मसाले अच्छे से अपने जो जायका है इसके अंदर डेवलप कर दें और जो क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे पालक के पकौड़े इसको हम फिर फ्राई करना शुरू करते हैं। तो अब मैं इसको ऐसे भी मिक्स कर लिया, पानी डाल के भी इसको मिक्स करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि देखिए मैंने जौन सा पकौड़ों का मिक्सर तैयार कर लिया है और घी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, लेकिन एज भी हमारे यहाँ पे गैस का बहुत मसला है तो मैं पकौड़े तल रही थी, गैस बंद हो गई, तो अब मैं फिर से दोबारा गैस आ गई है तो पकौड़ों को तलने लगी हूँ। तो ये देखिए आप, कितना बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, इतना आप लोगों ने जौन सा इसका बैटर तैयार करना है। तो अब इसको फ्राई करते हैं, चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि घी जौन सा गर्म हो गया, आप लोगों ने घी के टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उसके बाद पकौड़े डाल लें हैं। ठंडे घी में डालेंगे तो वो जौन से बिल्कुल सोगी से हो जाएंगे और घी पी लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने बस इतने छोटे छोटे से साइज़ के, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं, दरमियाने साइज़ के जौन से पकौड़े से ना फैला कर डाल देने हैं। तो बारिश हुई हुई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ इस रेसिपी को भी शेयर कर दें, आप लोग भी बना लें, हम लोग भी बना लें, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हैं यूट्यूब की, तो इसलिए मैंने ये रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। तो क्रिस्पी क्रिस्पी पालक के पकोड़े बनाएं और हमें अपनी फीडबैक दें और हमारे चैनल को भी ज़्यादा सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो व्यूवर्स, अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाते हैं कि अभी आप लोगों ने पलटना नहीं, जब तक पकौड़े जो उनसे फ्राई होकर ऊपर नहीं आ जाते आप लोगों ने इसको पलटना नहीं है। तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि जो उनसे पकौड़ों का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो मैं अब इसको जो उनसा है वो पलट रही हूँ। ये देखें, अब आप लोगों ने इसको दबा दबा कर हल्के हाथों से इस तरह, ताकि जौन से पकौड़ों का अंदर से जौन सा है वो बैटर कच्चा ना रह जाए, इस तरह दबा दबा के आप लोगों ने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे, क्योंकि हमने इसको क्रिस्पी करना है तो इसलिए हम लोगों ने इसको इस तरह ही टेम्परेचर पे फ्राई करना है। तो माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही, क्रिस्पी क्रिस्पी जौन से हमारे पकौड़े बन रहे हैं यहाँ पर। तो बस अब ये जौन से इसका कलर होना शुरू हो गया, तो जो हम लोगों ने बाद में डाले थे वो रहते हैं अभी ज़रा होने वाले, तो वो भी हो जाएँ तो फिर हमारे जो से पकोड़े हो जाएंगे फाइनल। इसको फिर हम लोग डिश आउट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह दबा दबा के हम लोगों ने ये, इस तरह ये है कि फिर ये कच्चे भी नहीं रहेंगे और क्रिस्पी भी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको फाइनल करने के थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा इसको गोल्डन कलर दे के डिश आउट कर लेती हूँ। तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि मज़ेदार से जो गर्मा गर्म हमारे पालक के पकौड़े हो गए हैं तैयार और ये कितना क्रिस्पी है, ये देखें आप, इसकी इतना ज़्यादा गर्म है, मैं टेस्ट भी करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। इसके फ्लेवर के लिए आप इसके ऊपर जो सा गर्म मसाला जो चाट मसाला है वो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो टेस्ट जो सा इसका दुबाला हो जाएगा। तो अब लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी फीडबैक दें। लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ को मैं दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल के नाज़रीन को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।